हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर कोर्स इन विच वी आर कवरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। तो ये आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस बुक, जिसमें हम कवर करेंगे कि अबाउट द मिथ रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। तो आज के सेशन में हम लोग ये सब चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी प्लस पर मंडे से कुछ नए बैचेस जो हैं शुरू होने जा रहे हैं, जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। तो जाइए जाकर के इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, यूज़ करिए हमारा रेफरल कोड रैंक10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एस्पायर, जो कि रहेगा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो हैं 2021 में जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम देना है उनके लिए है ये। इसमें बेसिकली होने क्या जा रहा है कि एवरी मंथ जो है 4 आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर कराए जाएंगे, जो कि एवरी मंथ फर्स्ट पहली तारीख को, फिर उसके बाद 10th को, और उसके बाद 25th एंड देन 30th। 4 टेस्ट जो हैं ये मंथ के अंदर हुआ करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर फ्री मॉक टेस्ट हैंगे, जिसमें यहाँ पर जो भी टॉप रैंकर्स रहेंगे 50, उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, प्राइजेस दिए जाएंगे। अब जो टेस्ट होने जा रहा है वो 1 नवंबर को होने जाएगा, 10 बजे मॉर्निंग ये होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्यों आपको ये टेस्ट मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर होंगे तो ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी। साथ साथ जो ये टेस्ट है ये हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स ने यहाँ पर बनाए हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी लेवल का। साथ साथ यहाँ पर आपका टेस्ट एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी मिलेगी, कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्म किया, सब आपको पता लगेगा। और साथ साथ आप लोगों को जो है प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से टेस्ट होगा, तो जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। एग्जाम के पैटर्न पर ही यहाँ पर होगा, वही 100 क्वेश्चन होंगे और जो है 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। साथ साथ जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको होगी। तो यहाँ पर 10 बजे से लेकर 12 नून तक ये जो है होगा डेली टेस्ट, सॉरी डेट्स पर टेस्ट। अगर 1 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 10 नवंबर की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स जैसे होता है वो होगा, 25 को भी पेपर 1 होगा, और 30th को होगा पेपर 2 सी सेट का। तो यहाँ पर जाइए जाकर के इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 15 लाख तक की जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी ना मंथ इन 4 टेस्ट के अंदर। ओके, तो प्लीज़ जाइए जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपने आपको एनरोल करिए। सिलेबस वही है प्रीलिम्स पेपर 1 वाला, डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ जाइए जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका गिवन है। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कांग्रेस के फाउंडेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जो मिथ हैं उनको यहाँ पर हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए जो मिथ है ये काफ़ी सारे हैं कांग्रेस से रिलेटेड, कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था वो जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए बना था, उसका इंपीरियलिस्टिक नेचर था। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो कि इस चैप्टर में भी बताई गई हैं, कुछ थ्योरीज भी यहाँ पर दी गई हैं, बट उन थ्योरीज को यहाँ पर अगेंस्ट जो है उनके यहाँ पर एक वैलिड हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, जो कि बिपिन चंद्रा ने बुक में मेंशन करे हैं। तो सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेसिकली, अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले जो आज की डेट में हम कांग्रेस पार्टी देखते हैं आपको उसके अलग करके उसको पढ़ना होगा, बिकॉज जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये बिल्कुल ही अलग थी एज़ कम्पेयर टू द टुडे वन, जो प्रेजेंट वन है उससे बिल्कुल अलग थी ये। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1885 में इसकी जो है फाउंडेशन करी गई थी दिसंबर में। तो दिसंबर 1885 में इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था, और 72 पॉलिटिकल वर्कर्स थे उस टाइम पर जिन्होंने इसको यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है, इसका फाउंडेशन रखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडियन नेशनलिज्म की बात करती थी ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि ये जो यहाँ पर 72 पॉलिटिकल वर्कर्स थे ये इंडिया के अलग अलग कोनों से आते थे। जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें किनका मेन रोल रहा, इंपॉर्टेंट रोल इसके फॉर्मेशन में किसका रहा, तो वो थे यहाँ पर रिटायर्ड इंग्लिश आईसीएस ऑफिसर यानी कि जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे यहाँ पर, जिनका नाम था ए ओ ह्यूम,
उन्होंने जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था इसके फाउंडेशन में, इसके फॉर्मेशन में, और साथ साथ ये जो 72 मैन थे इन्होंने भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। बट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ उठता है कि भाई क्यों दिसंबर 1885 में ही क्यों ये काम करा गया। तो देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि काफ़ी सालों तक, काफ़ी ईयर्स तक कांग्रेस के फाउंडेशन के आफ्टर सेंचुरीज वो चलता आया। तो यहाँ पर जो मिथ की बात यहाँ पर करी जाती है वो ये है मिथ कि भाई ये जो है कांग्रेस की जो फाउंडेशन थी वो एज द सेफ्टी वॉल रखी गई थी, यानी कि जो इंडिया के अंदर बेसिकली उस टाइम पे एक डिसकंटेंट लोगों के अंदर था तो उसको दबाने के लिए यहाँ पर जो है कांग्रेस जैसी एक संस्था का जो है यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पर बनाया गया था। और ये जो है पूरी की पूरी चाल थी कि इनकी ए हो ह्यूम उनकी और साथ में जो लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे वाइसराय जो थे इंडिया के उनके, इन दोनों बंदों की ये चाल थी यहाँ पर, ये सब कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारी जनरेशन हैं चाहे स्टूडेंट्स की हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हों, ठीक है, वो इसी मिथ के ऊपर जो है लगातार विश्वास रखते आए हैं कि भाई ये जो मिथ, ये जो कांग्रेस का बनाया गया, ये इसको एज अ सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि इस मिथ के हमारे पास बहुत ही कम हिस्टोरिकल फैक्ट है, बहुत ही लिटिल बेसिस है हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स का, कोई खास फैक्ट नहीं है इसका, तभी इसको यहाँ पर मिथ भी बोला गया है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है मिथ सेफ्टी वॉल्व के पीछे का, कि भाई ए हो ह्यूम जो है उन्होंने इसको लॉर्ड डफरिन की गाइडेंस के बेसिस पर जो है, जो उस टाइम पे वॉइस रहे थे उनकी गाइडेंस के बेसिस पर जो है यहाँ पर बनाया। क्यों बनाया? ताकि एक सेफ, माइल्ड और पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट, या कहें हम एक सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर मिल सके, जो कि उस टाइम पे लोगों का, मासेस का डिसकंटेंट बढ़ रहा था, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है रोका जा सके, उनको यहाँ पर कंट्रोल करा जा सके। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या करा गया, कांग्रेस का फाउंडेशन यहाँ पर करा गया। तो ये सेफ्टी वॉल्व का मिथ जो है यहाँ पर लेकर के चला जाता है कांग्रेस के लिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसका कोर क्या है, बेसिकली उसका कोर यहाँ पर ये है कि जो वायलेंट रेवोल्यूशंस उस टाइम पर होने वाले थे उनको जो है रोक दिया गया कांग्रेस जैसी फाउंडेशन, कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन के बाद। तो ये बात यहाँ पर जो है लगातार कही जाती है और काफ़ी सारे ऑथर्स जो हैं, काफ़ी सारे राइटर्स जो हैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो हमारे जो लिबरल्स हों वो भी इस चीज़ को मानते हैं, वेलकम करते हैं। और जो अगर दूसरी तरफ रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस है वो शुरू से ही जो है क्या करती रही है, गुलाम रही है, लॉयल रही है किसके, ब्रिटिश सरकार के, लगातार जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं उनके साथ और उनके इंपीरियलिज्म के लगातार जो है वो क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर लगातार कही जाती हैं। अगर हम बात करें जो एक्सट्रीम हमारे हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि कांग्रेस जो है शुरू से ही एंटी नेशनल भी रही है, तो इस तरीके से बातें यहाँ पर कही जाती हैं। बट इनके लिए हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, क्योंकि जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स की यहाँ पर बात करी जाती है, जिन रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात करी जाती है, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, जिसको अभी हम आगे चल करके डिस्कस भी करेंगे। देखिए अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, जो कि एक एक्सट्रीम लीडर थे यहाँ पर, ठीक है, कांग्रेस के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया करके जो एक न्यूज़पेपर आता था उनका, उसके अंदर उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक लिखा यंग इंडिया में कि लाला लाजपत राय ने जो ये सेफ्टी वाल्व की थ्योरी है इसी को यहाँ पर उठाया। देखिए क्या था कांग्रेस के अंदर, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग का जो पीरियड था कांग्रेस का उसे मॉडरेट एरा कहा जाता है, यानी कि मॉडरेट्स का पीरियड, जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे जो हमारे ओल्ड लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स थे, वो लोग यहाँ पर हुआ करते थे। तो लाला लाजपत राय जैसे जो लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ओके, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो थे ये क्या थे, ये एक्सट्रीम लीडर्स थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, ये चाहते थे कि भाई चीज़ें, चेंजेस जो हैं एकदम हो, तुरंत हो। वहीं जो मॉडरेट्स हैं वो क्या चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि भाई अगर हमें कुछ भी चीज़ यहाँ पर चाहिए, कुछ भी करना है, तो हम उसको क्या करें, एक जो है अपना धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू जा कर के करें, भाई चिट्ठी लिखें हम सरकार को कि ये चेंजेस करने चाहिए, आपको वो करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें मॉडरेट यहाँ पर मानते थे, बट उस जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर 1916 में लाला लाजपत राय ने लिखा, मॉडरेट्स को बेसिकली टारगेट करा, उन्होंने बोला कि ये सच है कि जो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी है वो हमें सच लगती है, क्योंकि अब मॉडरेट्स का जो वर्क है वो ऐसा ही है कि भाई वो जो है इंपीरियल नेचर जो है हमारा ब्रिटिश सरकार का, उनको बचाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। इसी तरीके से लाला लाजपत राय ने ये चीज़ यहाँ पर लिखी। यहाँ पर लाला लाजपत राय ने लिखा कि जो थ्योरी है कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है वो सच है यहाँ पर, और उसका ऑब्जेक्ट जो है यही है कि वो ब्रिटिश एम्पायर को बचा सके।
किस लिए लिखा उन्होंने ये, क्योंकि वो मॉडरेट्स के काम से नाखुश थे यहाँ पर, तो मॉडरेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पर अपने यंग इंडिया वाले में जो है इन्होंने यहाँ पर उसको लिखा। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि इस आर्टिकल में जो कि मैंने आपको बताया अभी। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें दूसरी तरफ, जो यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट ग्रुप था, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, वो भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भी क्या है, एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी है उसी का एक नोशन है यहाँ पर। तो ये सब बातें यहाँ पर लगातार कही जाती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई ये जो एक अटैम्प्ट था, ये एक रेवोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पर ये अटैम्प्ट वगैरह करा गया। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये है जो कि यहाँ पर हमें कांग्रेस के फाउंडेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताती है। बट यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए जो कांग्रेस है, ठीक है, एक समय में कांग्रेस जो है नेशनल बॉडी थी, ठीक है, जो आगे चल करके कांग्रेस 1885 के बाद अगर हम बात करें तो सिंस 1885 कांग्रेस वॉज अ नेशनलिस्ट बॉडी, ठीक है, उसने कभी भी जो है ऐसा नहीं दिखाया कि भाई वो जो है लॉयल है। हालांकि उस टाइम पे जो वहाँ पे लीडर्स थे हमारे, उनकी कार्य उनकी जो वर्किंग प्रोसीजर था वो कुछ इस टाइप का था कि वो यहाँ पर दिखाता था कि भाई दे आर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, बट उनका वो काम करने का तरीका ऐसा था, ठीक है, तो जिस वजह से लगता था कि भाई जो कांग्रेस है उसका जो करेक्टर है वो भी कैसा है, लॉयलिस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आगे चल करके जितनी भी मास लेवल पर मूवमेंट्स हुई इंडिया के अंदर, ठीक है, वो किसके फ्लैग के नीचे हुई, वो कांग्रेस के फ्लैग के नीचे हुई। तो कांग्रेस वॉज द व्हीकल ऑफ ऑल दोज मास मूवमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक पाप जो है हमेशा कांग्रेस के सिर पर एक परमानेंट मार्क की तरह बना हुआ है कि भाई वो एक टू फोल्ड करेक्टर रहा उसका शुरू से, कि वो ब्रिटिशर्स के भी सपोर्ट में था और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट भी यहाँ पर चलाता रहा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हिस्ट्री में साथ के साथ चलती रहती हैं जो हमें कांग्रेस के बारे में यहाँ पर बताती हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके अलावा, ठीक है, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अलावा अगर हम और चीज़ें देखें तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो मास मूवमेंट्स होती थी इंडिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मासेस को देखें तो जब भी मासेस रेवोल्यूशनरी पाथ लेने लगते थे तो मूवमेंट जो है यहाँ पर वो छोड़ देती, दो मूवमेंट को बंद कर दिया जाता था, जो सरकार कहती थी वो बातें यहाँ पर मान ली जाती थी। देखिए कई बार हमने देखा कि जिस भी मूवमेंट के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो जाता था, ठीक है, या हल्का सा वो वायलेंट नेचर उसका आता था तो उस मूवमेंट को वहीं बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई वो जो मूवमेंट होती थी जब एक रेवोल्यूशनरी पाथ पर वो जाती थी तब उनको बंद कर दिया जाता था। तो ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो इंपीरियलिज्म के फेवर में थी, ये चीज़ यहाँ पर दिखाता है। और अगर हम बात करें आगे चल करके जो फाइनल कैपिटलेशन हुआ बेसिकली माउंटबेटन सेटलमेंट का, वो भी यहाँ पर यही चीज़ दिखाता है, कांग्रेस के डुअल रोल को यहाँ पर दिखाता है। अगर हम बात करें एमएस गोलवलकर की, जो कि आरएसएस की चीफ है, जो कि खुद एक टाइम पे कांग्रेस के मेंबर भी थे, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा अपने 1939 में कि भाई जो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर सेक्युलर नेचर लेकर के चलती है, हालांकि खुद जो है वो एक तरीके से एंटी नेशनल है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ये जो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी है, कई स्कॉलर्स कई राइटर्स जो हैं इसके सेम वर्जन इसके वर्जन को जो है लगातार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रखते आए हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड जो कि हिस्ट्री में हमारी बनी हुई हैं कि भाई कांग्रेस ऐसी थी वैसी थी, ठीक है, कांग्रेस जो है हमेशा लॉयल रही सरकार के खिलाफ। बट अगर हम बात करें उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि भाई हाँ हमारे पास क्या प्रूफ है उसके, तो कोई भी प्रूफ ऐसा उसका नहीं मिलता है हमें। अब वही चीज़ को हम बात करेंगे कि भाई क्या प्रूफ है हमारे पास हिस्टोरिकल वॉल्व थ्योरी का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई प्रूफ क्या है इसका। इसके पीछे जो बात कही जाती है कि जो यहाँ पर ए ओ ह्यूम थे उन्होंने लॉर्ड डफरिन के कहने पे ये चीज़ कांग्रेस को बनाया, तो इसके पीछे का प्रूफ क्या था उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हिस्टोरिकल प्रूफ की यहाँ पर बात करें जो कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में बताती हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई एक ना 7 वॉल्यूम्स रही है सीक्रेट रिपोर्ट्स की, ठीक है, सीआईडी की सीक्रेट रिपोर्ट्स थी, जो कि यहाँ पर माना जाता है कि भाई शिमला के अंदर जो यहाँ पर ए ओ ह्यूम थे उन्होंने यहाँ पर उसको पढ़ा 1878 के अंदर, और यहाँ पर उनको कन्विंस हो गए वो कि आने वाले समय में जो है लोगों जो है कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं लोअर क्लासेस की ब्रिटिश रूल को यहाँ पर हटा दिया जाए। तो ये जो 7 वॉल्यूम्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, कहा जाता है कि यहाँ पर सीआईडी की रिपोर्ट्स थी कुछ जो कि बताती थी कि भाई जो है दंगे फसाद वगैरह होने वाले हैं जिससे ब्रिटिश रूल को हटाया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए करा जाएगा। 1878 के अंदर जो है ये ए ओ ह्यूम ने यहाँ पर पढ़ लिया था, लॉर्ड डफरिन के साथ इसका जिक्र करा, और फिर इन दोनों ने अपनी मिलजुल के जो है क्या करा, कांग्रेस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की यहाँ पर बात करी। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। कैसे?
उसी चीज को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या था कि यहाँ पर पहली बार जो इन रिपोर्ट्स का मेंशन करा गया वो किसने करा, यहाँ पर विलियम वेडरबर्न ने जो है अपनी बायोग्राफी जो लिखी उन्होंने एवो ह्यूम के ऊपर 1913 में जिसको पब्लिश करा गया उन्होंने यहाँ पर लिखा। देखिए जो वेडरबर्न थे वो भी खुद एक ICS ऑफिसर थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक अनडेटेड मेमोरेंडम यहाँ पर बताया कि भाई ह्यूम जो है उनकी पेपर मुझे कुछ मिले हैं जो कि बताते हैं कि ह्यूम ने एवो ह्यूम का कुछ रोल रहा है फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरीके से 7 volumes की सीक्रेट रिपोर्ट्स यहाँ पर पढ़ी है, बट उन्होंने यहाँ पर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं साझा करी, कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, लाला लाजपत राय के जो कोट्स थे उनको यहाँ पर लिख दिया। उन्होंने बताया कि भाई लाला लाजपत राय जैसे कहते हैं कि जो एओ ह्यूम है वो लिबर्टी चाहते थे कि भाई इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लिबर्टी आए, बट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कौन थे, एक इंग्लिश पैट्रियट थे, ब्रिटिश सरकार के जो है के प्रति पैट्रियट थे वो वहां पर, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई भी जो है काम खराब हो, कोई भी जो है लोअर क्लासेस वगैरह जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए वो हो, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इस डिसकंटेंट को बंद रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का यहाँ पर बनाया गया जिसमें कांग्रेस को गठन यहाँ पर करा गया। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने वेडरबर्न ने अपनी भी बायोग्राफी के अंदर लिखी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके लिए उन्होंने कोई भी यहाँ पर जो है प्रूफ वगैरह नहीं दिया, सिर्फ लाला लाजपत राय के जो लॉन्ग कोटेशन थे उनको यहाँ पर एज अ मेमोरेंडम अपना अपनी कमेंट्स के साथ जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर डाल दिया। तो जो यहाँ पर बात थी कि भाई 7 volumes पढ़ी गई हैं सीक्रेट रिपोर्ट्स की, CID की रिपोर्ट थी जो कहती थी कि भाई इस तरह से कोई चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में, जो है हमले हो सकते हैं, तो ये चीज़ के लिए क्या करा गया कि जो यहाँ पर लोग थे जो इस फैक्ट के ऊपर विश्वास रखते थे, बिलीफ रखते थे इसमें कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में जाकर के 1950s में इन लोगों ने जितने भी हिस्टोरियंस थे या जो भी लोग थे उन्होंने जो नेशनल आर्काइव्स थे उनको जाकर के छाना। देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो नेशनल आर्काइव्स के अंदर वो सारी की सारी रिपोर्ट वगैरह जो है रख करके गए, उन्होंने जो भी रिपोर्ट थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो भी उनके पास रिपोर्ट्स वगैरह आती थी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सब की सब रिपोर्ट्स को जो अल्टीमेटली वो कहाँ रखे गए, नेशनल आर्काइव्स के अंदर छोड़ करके गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत समय लगाया इन 1878 की जो ये 7 volumes थी CID रिपोर्ट्स की उनको ढूंढने में, बट एट द लास्ट उनको कुछ यहाँ पर नहीं मिला। तो जब उनकी सर्च यहाँ पर फिटल हो गई तो उन्होंने यहाँ पर क्या इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने क्या बोला अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि भाई जब ब्रिटिशर्स 1947 से पहले इंडिया से गए तो उन्होंने इन रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये बात यहाँ पर कही गई। बट अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि 1878 के अंदर ये रिपोर्ट्स की बात करी जाती है कि 1878 के अंदर ये रिपोर्ट्स आई और जो कांग्रेस को बनाया जाता है वो 1885 में बनाया जाता है, तो इन 7 साल का वेट क्यों करा गया बीच में। अगर ऐसा था कि भाई कोई डिसकंटेंट है लोगों के बीच में और दंगे फसाद हो सकते हैं जिससे ब्रिटिश रूल को खतरा है, तो वो जो है उसी टाइम काम करना चाहिए था। अगर 1878 में वो रिपोर्ट पड़ी है तो 1879 में या 1880 में हार्डली एक कांग्रेस को बना देते, तो 7 साल तक का वेट क्यों करा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर आप देखें 1878 के अंदर ह्यूम जो थे एओ ह्यूम वो सेक्रेटरी थे किस चीज़ के, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स के। ठीक है, तो जिस बंदे के पास डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर और कॉमर्स है वो CID की रिपोर्ट्स क्या करेगा जो होम डिपार्टमेंट की है, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट की है, उन रिपोर्ट्स का उससे क्या मतलब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि देखिए जो एओ ह्यूम थे वो इस टाइम पर कहाँ थे, शिमला के अंदर थे, वहीं जो होम डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये CID की फाइल्स होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए, वो दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, तो दिल्ली से फाइल्स शिमला कैसे आ गई। तो ये जो 3 questions हैं यहाँ पर कि भाई पहला तो ये कि 7 साल वेट क्यों करा गया कांग्रेस को बनाने के लिए, दूसरा ये कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हेड है बंदा वो डिपार्टमेंट ऑफ होम की फाइल्स कैसे पढ़ सकता है यहाँ पर, और तीसरा ये कि जो CID की ये जो फाइल्स थी ये दिल्ली के अंदर थी तो ये शिमला कैसे आ गई। तो ये जो तीनों यहाँ पर फैक्टर्स हैं, तीनों यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं हमारे पास, ये सीधा सीधा इस एओ ह्यूम की जो ये वॉल्यूम वाली थ्योरी है इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए तो हमें मिला कुछ नहीं फाइंडिंग में नेशनल आर्काइव्स के अंदर, और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये कि ये सब क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं हमारे सामने आते हैं, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भाई ये जो है एक तरीके से गलत ही इल्ज़ाम वगैरह लगाए गए कांग्रेस के ऊपर कि भाई सेफ्टी वॉल्व के तौर पर उसको यहाँ पर बनाया गया था।
अगर ऐसा था तो उसको पहले ही बना लेना चाहिए था, 1878 में ही बना लेते तो 7 साल क्यों वेट करते। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर है। अब आगे चलेंगे, अब बात करेंगे कुछ डब्ल्यू सी बैनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू की, उनको वहां पर देखेंगे, उनके ओपिनियन को वहां पर देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देना चाहूंगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि देखिए ना, अकेडमी प्लस पर मंडे कुछ बैचेस जो है शुरू हो रहे हैं जो कि 2021 और 22 के लिए रहेंगे। अगर बताऊं मैं आपको 2021 की, तो आपको पता है कि यूपीएससी जो है ऑलरेडी डेट आउट कर चुका है, इट्स 27th of June। तो यहाँ पर यूपीएससी ने डेट बता दी है प्रीलिम्स की, तो आप देखिए कि एक साल से भी कम का समय जो है 2021 प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर बचा है। वहीं आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनअकैडमी कुछ बैचेस लेकर के आया है जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर बात करें 2021 की, तो यहाँ पर 3 बैचेस अनअकैडमी लेकर के आया है जो कि है बायलैंग्वल जीएस बैच कोर्स, जिसको कहते हैं मिशन यूपीएससी सीएससी 2021। फिर इसके अलावा लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 जो कि हिंदी जीएस बैच कोर्स है, और तीसरा है एक्सपेडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 जो कि इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। 3 बैचेस यहाँ पर अनअकैडमी लेकर के आया है। 26th October से ये स्टार्ट हो चुके हैं, फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे ये, फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। साथ साथ हमारे यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगी विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और इंटरव्यू तक की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी इन बैचेस के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें सेम बेनिफिट्स के साथ, सेम फीचर्स के साथ, यहाँ पर एक 2 ईयर्स का बैच कोर्स भी अनअकैडमी लेकर के आया है जो कि 2 साल का पूरा रहेगा, 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए है ये, सेम फीचर्स रहेंगे। तो जाइए जाकर के इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, अपनी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करिए अनअकैडमी के साथ। और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर के बाद जो है प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन प्लान के। तो अगर हम इस फिलहाल सब्सक्रिप्शन प्लान के चार्जेस की बात करें, फीस की बात करें, तो जो 24 मंथ वाली ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन प्लान है, यानी कि जो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसके लिए यहाँ पर आपको पे कितने करने पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे 72,000 रुपीज़, 72,000 रुपये जो है यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। और जब आप यूज़ करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक10, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर 7200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए जाकर के जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, यूज़ करिए हमारा रेफरल कोड रैंक10। अल्टीमेटली आपको पे कितना करना पड़ेगा, 64,800 यहाँ पर आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे। तो जाइए जाकर के अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज़ करिए हमारा रेफरल कोड रैंक10, जिससे यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं एक और ओपिनियन की, जो कि डब्ल्यू सी बैनर्जी का है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जब कांग्रेस की फाउंडेशन यहाँ पर हुई, ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू सी बैनर्जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया 1898 के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स करके। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि भाई जो कांग्रेस है उसमें जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी उससे रिलेटेड, उसके लिए प्रूफ उन्होंने यहाँ पर रखा। क्या था वो प्रूफ, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू सी बैनर्जी ने कहा कि जो इंडियन कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया है, वो किसकी किसका काम है, वो रियलिटी में जो काम है वो डफरिन का, जो वायसराय है उन्हीं का यहाँ पर काम है, उन्हीं के ऑर्डर्स पर यहाँ पर ये बनाया गया है। उन्होंने कहा डब्ल्यू सी बैनर्जी ने कि जो ए ओ ह्यूम है वो क्या चाहते थे 1884 में, कि भाई जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया के अंदर, जितने भी पॉलिटिकल डायस्पोरा को बिलोंग करते हैं लोग यहाँ पर, उन सबको बुलाया जाए और वो आकर के क्या करें, इकट्ठे हुए और आकर के सोशल मैटर्स को डिस्कस वगैरह करें। ठीक है, और उनकी यहाँ पर कोई इस तरह की डिजायर नहीं थी कि भाई कोई पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ पर हो, कि भाई कोई पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पर बनाया जाए। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर कही डब्ल्यू सी बैनर्जी ने। उन्होंने कहा कि जो बल्कि दूसरी तरफ डफरिन थे, डफरिन ने ह्यूम को कहा कि भाई आप क्या करो, एक ऐसी बॉडी बनाओ जो कि पॉलिटिक्स को डिस्कस करे, इंडिया के कोने कोने से वहां उसमें लोग आए और वो आकर के पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, जिस वजह से यहाँ पर कांग्रेस को बनाया गया। और डफरिन का यहाँ पर मानना ये था कि भाई अगर ये जो ग्रुपिंग है, ये जो बॉडी है, ये जब पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगी, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एओ ह्यूम है उसमें, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंडियन पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर किसने बोली, हमारे डब्ल्यू सी बैनर्जी साहब ने यहाँ पर ये चीज बोली। बट यहाँ पर अगर हम बात करें डब्ल्यू सी बैनर्जी की, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी एक चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए अगर हम आसपास के कंटेम्प्रेरी एविडेंस देखें, तो वो यहाँ पर इसका बिल्कुल ही अपोजिट चीज को यहाँ पर बताते हैं। अगर हम बात करें ए ओ ह्यूम की, तो ए ओ ह्यूम जो है हमेशा से क्या करते थे, इंडियन लीडर्स के साथ जब भी मिलते थे तो उनको कहते थे कि भाई आप एक एनुअल कॉन्फ्रेंस खड़ा करो जिसका उद्देश्य जो है पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, बट डब्ल्यू सी बैनर्जी ने क्या कहा कि ए ओ ह्यूम चाहते थे कि सोशल गैदरिंग्स हुआ करें। ठीक है, बट अपोजिट उसका क्या था उस टाइम पे,
ह्यूम कहते थे कि पॉलिटिकल गैदरिंग होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है जो इनके स्टेटमेंट को, इनके ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि देखिए उस टाइम पर कांग्रेस से पहले भी काफ़ी सारी जो है पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये सब जो थी ये पॉलिटिकल ही थी नेचर में। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें जो 1860s का समय था, 1870s का समय था इंडिया के अंदर, उसमें जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही यहाँ पर इंडिया के अंदर बन रही थी। और अगर सीधे शब्दों में हम बात करें, जब ए ओ ह्यूम ने 1882 के अंदर सिविल सर्विसेज से यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इंडियंस से जब वो मिलते थे तो इंडियंस के वो यही कहते थे कि भाई अब आप लोग पॉलिटिक्स में आओ, और बड़े लेवल पर, मास लेवल पर कोई ऐसी संस्था बनाओ जो कि यहाँ पर क्या करे, पॉलिटिक्स को डील करे, ठीक है। आप लोग सोशल क्वेश्चंस के ऊपर, जाति के, धर्म के, इन सब क्वेश्चंस के ऊपर अपने आप को डिवाइड ना करो, आप पॉलिटिक्स पे आओ, आप सरकार को चैलेंज करो पॉलिटिक्स के लेवल पर आकर। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, जो उस टाइम पे चीज़ें हुआ करती थी, कंटेम्प्रेरी एविडेंस जो है हमारे पास, वो डब्ल्यू सी बैनर्जी का जो ये स्टेटमेंट है कि ए ओ ह्यूम चाहते थे कि भाई एक सोशल बॉडी बने, बट डफरिन चाहते थे कि पॉलिटिकल बने, उसको जो है ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जनवरी 1885 में बेसिकली क्या था कि एक ए ओ ह्यूम के फ्रेंड थे जिनका नाम था बी एम मालाबरी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ एडिटोरियल्स लिखे इंडियन स्पेक्टेटर में, जिसमें उन्होंने एजुकेटेड इंडियंस को यहाँ पर बात करी गई कि भाई आप एक ऐसे मूवमेंट्स चलाओ, ऐसे इनॉग्रेट करो मूवमेंट्स का जिसमें सोशल रिफॉर्म्स की बात करी गई, ठीक है। बी एम मालाबरी ने ये चीज़ लिखी यहाँ पर इंडियन स्पेक्टेटर के अंदर, बट वहीं ए ओ ह्यूम ने उनको यहाँ पर एक राइटर लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि भाई इंडियंस को इस टाइम पर जो आपने ये प्रपोजल दिया है कि आप सोशल रिफॉर्म्स करो, ये गलत है आपका, क्योंकि इस टाइम पे ये मूव जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा, इंडियंस को जो है और सोशल रिफॉर्म ना पे ना ध्यान देते हुए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो इंडियंस को अल्टीमेटली क्या मिलेगी, पॉलिटिकल लिबर्टी यहाँ पर मिलेगी। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है, जो डब्ल्यू सी बैनर्जी का ओपिनियन है उसके कंट्राडिक्शन में भी हमारे पास, उसके अपोजिट में भी हमारे पास तीन चार स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जाते हैं। तो अगर हम सीधे शब्दों में यहाँ पर बात करें, चाहे डफरिन हो या उनकी फेलो लिबरल गवर्नर्स हो उस टाइम के बॉम्बे के, मद्रास के, तो ये सब लोग जो है कांग्रेस के साथ कभी भी सिंपैथेटिक नहीं रहे। इनफैक्ट अगर मैं बात बताऊँ आपको, 1885 में ही 18 साल बाद क्या हुआ जब कांग्रेस बनती है, तो 1888 के अंदर डफरिन खुद कहते हैं कि भाई अब कांग्रेस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर होती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि कांग्रेस से आने वाले समय में जो है कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर सकती है, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का यहाँ पर विषय बन सकता है। तो ये चीज़ आज के सेशन में हमने पूरा डिस्कस करी। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हमने बहुत ही डिटेल में जाकर के डिस्कस करा अबाउट द मिथ जो कि फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड है कि भाई सेफ्टी वॉल्व के तौर पर जो है कांग्रेस को यहाँ पर बनाया गया था। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए आज हमने जो है तीन चार स्टेटमेंट को यहाँ पर डिस्कस करा। पहला जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो मिथ था, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि भाई CID की रिपोर्ट्स थी 1878 में जो बता रही थी कि कोई भी जो है मास लेवल पर अपराइजिंग्स हो सकते हैं, रिवोल्ट्स हो सकते हैं जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा है, तो उन रिवोल्ट्स को रोकने के लिए जो है क्या करा गया, कांग्रेस बनाई गई, ठीक है, एज अ सेफ्टी वॉल्व कि भाई डिसकंटेंट को यहाँ पर रोका जा सके। बट आप देखिए कांग्रेस का जो गठन हुआ वो कब हुआ, 1885 के अंदर, तो 7 साल का पीरियड कोई क्यों रुकेगा। अगर ये सच था CID रिपोर्ट्स का तो यहाँ पर सरकार ना रुकती, सरकार इमीडिएट एक्शन लेती अगर इस टाइप को उन्हें लेना था। दूसरी चीज़ क्या कि नेशनल आर्काइव से कोई भी हमें CID रिपोर्ट जो 7 वॉल्यूम्स की कही जाती है कि जिसे ए ओ ह्यूम ने पढ़ा, वो हमें कहीं से भी नहीं मिली, ठीक है, उनको कोई हमें नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि जो ए ओ ह्यूम थे वो खुद कौन थे, वो सेक्रेटरी थे कौन से डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कॉमर्स, रेवेन्यू एंड कॉमर्स के वो सेक्रेटरी थे। और वहीं अगर हम बात करें जो CID है, CID किसके अंडर आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पर एक होम डिपार्टमेंट का ऑफिशियल, सॉरी स्टेट डिपार्टमेंट का, कॉमर्स डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होम डिपार्टमेंट की फाइल्स यहाँ पर कैसे पड़ेगा, तो ये भी चीज़ यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सेफ्टी वाल्व की थ्योरी के ऊपर।
ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने यहाँ पर दूसरी थ्योरी जो यहाँ पर डब्ल्यू सी बैनर्जी की पढ़ी, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने कहा कि भाई एओ ह्यूम क्या चाहते थे कि एक सोशल सोसाइटी, एक सोशल पार्टी बने, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बने जो कि सोशल रिफॉर्म्स की बात करे। एओ ह्यूम ये चाहते थे और डफरिन चाहते थे कि भाई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जिससे हमें इंडिया के पॉलिटिकल डायस्पोरा के बारे में पता चलता रहे कि भाई इंडिया का पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है लोगों का, जिससे ब्रिटिशर्स को आसानी रहे रूल करने में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये दो बात कही। बट अगर हम एओ ह्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एओ ह्यूम जो है शुरू से ही यहाँ पर क्या करा करते थे, एओ ह्यूम जो है शुरू से ही सोशल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि इंडियंस जो है क्या करें, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए कोई बॉडी बनाए। और उस टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी थी यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाती है। वहीं दूसरी चीज अगर हम बात करें डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन हो गए जो उस टाइम पर वॉइस रॉय थे इंडिया के, या उनके साथ के और लोग जो हो गए, कोई भी जो है कांग्रेस के फेवर में शुरू से नहीं था। तो यहाँ पर जो मिथ है बेसिकली सेफ्टी वॉल्व का, जो कहा जाता है कि भाई कांग्रेस जो है शुरू से ही जो है क्या थी, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी और चाहती थी कि भाई ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पर रूल करते रहें, तो ये चीज़ गलत आ जाती है। सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी पे जो भी मिथ है उनको हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आया डिस्कस करा कि सारे के सारे मिथ हैं और कांग्रेस का इस तरीके से कोई भी इरादा नहीं था शुरू में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक व्हीकल के तौर पर जितने भी मास मूवमेंट्स हुए इंडिया के अंदर, जिनको हम आगे चल करके पढ़ेंगे अब हमारी बुक में, चाहे वो सिविल रेबेलियन हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, या जो भी कोई मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या और भी बाकी सारी चीजें हो, उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने लगातार जो है अपना रोल प्ले करा। बट हाँ, अगर हम बात करें कांग्रेस की वर्किंग की, तो कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग तरीके के लीडर्स थे। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की एरा में कांग्रेस के अंदर हमें मॉडरेट लीडर्स देखने को मिलते हैं जिनका वर्किंग करने का तरीका अलग था और जिस वजह से उनको क्रिटिसाइज भी करा जाता है बाय द एक्सट्रीम लीडर्स, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ओके। तो ये लोग उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। बाकी आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से जो है कांग्रेस की आगे जर्नी रही, उसको हम आगे चल करके देखेंगे। बाकी आज के सेशन में इतना ही। तो आज के सेशन से रिलेटेड किसी का आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ जाएँ जाकर के अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, यूज़ करें हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कुछ क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, ओके। करण पूछ रहे हैं, करण कह रहे हैं कि मैंने अभी जो है 12th पास करी है तो प्लीज़ कोई टिप्स। करण देखिए अभी अगर आपने 12th पास करी है तो मैं पहले आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है ग्रेजुएशन पे अपना ध्यान दें, क्योंकि जो यहाँ पर अभी क्या है, एक ट्रांजिशनल फेज रहेगा आपका। आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं तो इस टाइम पर थोड़ा सा जो है आपको अपना पढ़ाई पे, स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है 5-6 महीने बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन को लेकर के चल सकते हैं। आप NCERTs पढ़ें, ठीक है। NCERTs के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड ईयर से आप जो है एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ सकते हैं। और बाकी मैंने जो है काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आज स्ट्रेटेजी भी एक शेयर करी है जिसमें 2022 वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर रखी है। बाकी आपका तो अभी टारगेट काफ़ी लंबा है, आपने 23 या 24 में अपीयर होना होगा क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन में आए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी टाइम है। तो प्लीज़ आप जो है अभी क्या करें, फिलहाल तो अपना फोकस जो है अपनी कॉलेज लाइफ पर रखें, थोड़ा सा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन डेज में अपना टाइम दें, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है ये। उसके बाद जो है आप NCERTs वगैरह करनी शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल की बुक्स पर आएँ, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी विक्टर कह रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। विक्टर एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आई एम हैविंग अ बिट ऑफ अ फीवर, तो जिस वजह से थोड़ी आज आवाज़ कम लग रही होगी आपको, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बाकी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू स्पीक हियर, ओके। अगर किसी का कोई डाउट है जल्दी से अपना डाउट वगैरह मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ओके। सो किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जल्दी से अपना डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, यहाँ पर लास्ट 2 मिनट्स का समय है, आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। जिसका जो भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से अपना डाउट यहाँ पर पूछ लीजिए। In spectrum, these topics are described in very short way. Do we need to go through Bipin Chandra? See, if you're talking about the spectrum, if I correctly about the spectrum, तो देखिए spectrum क्या है, वो prelims से के perspective से बहुत अच्छी है। बाकी Bipin Chandra जो है हमारी mains के point of view से बहुत सही है। Bipin Chandra से क्या है कि आपको conceptual clarity हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा Bipin Chandra पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए आप प्लीज़ Bipin Chandra तो पढ़े ही पढ़े, बाकी स्पेक्ट्रम आप इसलिए पढ़ सकते हैं कि उससे आपके जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी स्पेक्ट्रम में भी काफ़ी कुछ दे रखा है,
स्पेक्ट्रम भी एक अच्छी बुक है, तो आप पहले विपिन चंद्रा को पढ़ लीजिए, पढ़ना सही रहेगा क्योंकि मेंस में आपके लिए हेल्प आउट होगी, ठीक है। तो आप दोनों को पढ़ें, पहले विपिन चंद्रा फिर आफ्टर दैट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को बल्कि 3 से 4 बार पढ़ें बिफोर द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स से पहले जो है आप उसको 3 से 4 बार जरूर पढ़ें कौशल, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन आया है यूपीएससी प्रिपरेशन का, यूपीएससी प्रिपरेशन लेकर कह रहे हैं कि तो ये कहना है कि सेफ्टी वॉल्व एक मिथ था। यस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी वो बेसिकली एक मिथ था, मिथ ही है, क्योंकि उससे रेलिवेंट जो भी हमारे पास ओपिनियंस आए हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास आई हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी हमें फैक्ट यहाँ पर नहीं मिला, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर नहीं मिला। बाकी कल हम जब डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5th ऑफ विपिन चंद्रा बुक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अबाउट द रियलिटी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन थी उसकी किस तरीके से रियलिटी रही, तब वहां पर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि भाई क्या वर्किंग वगैरह रही, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करा, तब आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ जो ये थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व वाली ये एक मिथ ही है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हमारे पास जो है हमारे पॉइंट नहीं है, कोई भी हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन गाइज, आज के सेशन में हमने जो है डिस्कस करा है विपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसके चैप्टर नंबर 5th को। आप में से किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से आप मेरे से अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। तो जिसका जो भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का सेशन खत्म हो रहा है, ओके। यहाँ पर यूपीएससी वेलकम। नोट्स कहाँ मिलेंगे? देखिए इसके जो नोट्स हैं वो यहाँ पर, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर ये मैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सी इफ यू से दैट इट इज़ फाइन टू गो थ्रू माई लेक्चर्स माई वीडियोज देन द विपिन चंद्रा, बट आई वुड सजेस्ट यू हेयर कि आप विपिन चंद्रा ज़रूर पढ़ें। देखिए क्या होता है कि पढ़ने से ना चीज़ें ज़्यादा आपको समझ आती हैं अच्छे तरीके से, और अगर आप विपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो आप उस हिसाब से आंसर्स भी लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं टॉपिक को समझने के लिए, बाकी बुक ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि बुक ना पढ़ना इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव, इट्स नॉट एन ऑप्शन हेयर। तो बुक ज़रूर पढ़ें आप, आई नो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, इट्स बिट टफ टू अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ पर आपके लिए कोर्स भी बनाया जा रहा है, सेशंस भी यहाँ पर, डेली क्लासेस भी यहाँ पर ली जा रही हैं, जिससे आप इजीली चीज़ों को समझ पाएं। तो प्लीज़ बुक तो ज़रूर ही पढ़ें आप, ओके। बाकी येस, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेडिकेट मोर टाइम टू स्पेक्ट्रम, आप इस बुक को विपिन चंद्रा की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से 1 या 2 बार पढ़ें, नोट्स बनाएं इससे, और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। स्पेक्ट्रम का आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, 3 से 4 बार स्पेक्ट्रम को जरूर पढ़ें, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे सेशन गाइज, आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 4 जो है डिस्कस करा है विपिन चंद्रा का। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए जाकर के सब्सक्राइब करिए, अन अकेडमी प्लस को भी सब्सक्राइब करिए, यूज़ करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो हरी अप, ओके। और अब कल मिलेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम, 6 बजे कल मिलते हैं, 6 बजे कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5th के बारे में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस द रियलिटी उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड बाय, गुड लक एंड हैव अ गुड डे, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक